रिलीज भी हो गई और खत्म हो गए हीरोइन के नॉन स्टॉप प्रमोशंस भी। लेकिन एक दो इवेंट्स को छोड़कर हीरोइन के हीरो अर्जुन रामपाल रहे फिल्म के प्रमोशन से गायब। लेकिन कहाँ थे अर्जुन, क्यों नहीं आए वो हीरोइन को प्रमोट करने? इस सवाल का जवाब छिपा है हीरोइन की इस फर्स्ट ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ अर्जुन रामपाल करीना के साथ फर्स्ट लुक लॉन्च पर आए थे। लेकिन मीडिया का सारा अटेंशन ले गई करीना कपूर और अर्जुन से हार्डली मीडिया ने दो तीन ही सवाल पूछे। करीना get the national award for the film because all your heroines very soon Kareena definitely, I think she has done a fab job. और शायद अर्जुन को यहीं पर समझ आ गया था कि फिल्म करीना की है और करीना के ही कैरेक्टर को लेकर लिखी गई है, तो हीरोइन को प्रमोट करना उनके लिए टाइम वेस्ट करने से ज्यादा कुछ नहीं। और इसलिए अर्जुन चले गए इस्तांबुल ताकि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म चक्रव्यूह के प्रमोशंस के लिए रिचार्ज हो सके। बाद में करीना से जब अर्जुन की एब्सेंस के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने मधुर भंडारकर को फिल्म का हीरो बताकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और जगह जगह मधुर के ही साथ जाकर हीरोइन के प्रमोशंस की जिम्मेदारी संभाली। पर अब देखना यह है कि क्या हीरोइन के हिट होने के बाद अर्जुन फिल्म की कामयाबी का क्रेडिट लेने के लिए मीडिया के सामने आते हैं या नहीं।